जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और सबसे अहमियत बात ये है जो फार्मर इसमें फोलियर ग्रेड आईशेल के यूज़ कर रहे हैं, जिसमें उसको कि एग्रोकेमिकल के भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक लाइन चुनेंगे जिसमें कि 10 पौधों के मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या फ़र्क है। सबसे पहले पहले पौधे में देखते हैं, इस तरह की फ्रूट सेटिंग है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग है हर एक पौधे में। जो मैं आपको बता रहा था कि फार्मर ने 1 महीने पहले सिट्रस सिले का जो उपचार किया था और उसके साथ स्टार्टर मिक्स किया था, जो आईसीएल का फोलियर ग्रेड है वो पेस्टिसाइड और फंगीसाइड की एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है। उस चीज़ का जीता जागता एग्जांपल आप इसमें देख रहे हो। और जो दूसरे फार्मर है वो 2 से 3 स्प्रे कर चुके हैं अपने अपने ऑर्चर्ड्स में, तो अभी भी सिट्रस सिला या और पेस्ट उनके हैं, इनके पेस्ट फ्री है पूरा ऑर्चर्ड्स। एक ही स्प्रे किए, उसी के अंदर इन्होंने फर्टिलाइज़र भी डाल दिया। और जो फार्मर इसमें प्रॉपर आईसीएल के शेड्यूल फॉलो कर रहा है, हम 10 पौधों में देखेंगे, पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरे पौधे में देखते हैं। किसान भाइयों, आपको सभी में एक जैसी फ्रूटिंग दिखेगी। ये देखो, इसमें तीसरे पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। अभी आपको चौथा पौधा दिखाऊंगा। अब देखोगे आप, सारी जगह ही बहुत ही यूनिफॉर्म फ्लावरिंग है। और जो सबसे अहमियत बात है इसमें, अंदर की जो फ्रूट बीयरिंग है वो बहुत अच्छी है। जो स्टेम के अंदर है फ्रूट, जो प्लांट्स के इनर पार्ट्स में फ्रूट है वो बहुत अच्छा है। चौथे पौधों में देखोगे आप, जो फ्रूट है आपको दिखेगा, इनर पार्ट्स का जो फ्रूट है वो देखिए आप किसान भाइयों। फार्म ये इस बाग की उम्र 5.25 साल का ये बाग है। इसमें फार्मर ने पॉलीसल्फेट डाला है और फोलियर ग्रेड इसमें यूज़ कर रहा है। ये बाब इसमें फ्लावरिंग देखोगे, पूरे अंदर की फ्लावरिंग है ये। हम उधर से पूरे पौधों का आप दिखा रहे हैं। किसान भाइयों, हम आपको किन्नू से जुड़े जो आईसीएल के प्रोडक्ट्स किन्नू में यूज़ हो रहे हैं उनके क्या क्या रिजल्ट्स हैं उनकी जानकारी टाइम टू टाइम आपसे साझा करते रहेंगे। ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आपसे आगे भी किन्नू से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।